बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी बच्चियों को सिखाने जा रही हूँ वाइट चिकन पुलाव। वाइट चिकन पुलाव ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी ये टेस्टी बनता है। ये मैंने 4 गिलास पानी के डाल दिए हैं। अब मैं इसमें जो चीज़ें डालूँगी वो आप देख लें। 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून सौंफ है, ये मेरी सौंफ पीसी हुई है थोड़ी सी, और 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने दादरी मिर्च लिया है, सिर्फ टेस्ट के लिए होगी, और ये मैंने 3 इलायचियाँ ले ली हैं, बड़ी इलायचियाँ ये देखें, और 1 मैंने टुकड़ा दालचीनी का लिया, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं, थोड़े से ये लौंग ले ली हैं ये देखें, और साथ ही मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, और थोड़ा सा मैंने आधी टीस्पून मैंने ये कलमंजी ले ली है, आधी टीस्पून मैंने कलवंजी ले ली है। ये सारी चीज़ों को मैं पानी में डाल रही हूँ ये देखें आप। ये लहसुन के जब्बे डाल रही हूँ, 4 लहसुन के जब्बे डाल रही हूँ, और ये मैं 1 छोटी प्याज ली थी ये डाल रही हूँ ये देखें, छोटी प्याज ये। अब मैं इसको इसके अंदर चिकन डालूँगी ये देखें, मैंने 1/2 किलो चिकन लिया था, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, 1/2 किलो चिकन है और 2 गिलास मैंने चावलों के लिए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए या 5 मिनट 6 मिनट के लिए इसको मैं ढाम के रख दूंगी ताकि इसकी यखनी बन जाए। ढक्कन दे के फुल फ्लेम पे मैंने इसकी यखनी तैयार कर ली है ये देखें, मैं इसको छान ली है। मैंने 2 गिलास चावल बनाने हैं, अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये अब मैं ना चावल बनाने लगी हूँ, अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल के बाद मैं डालूँगी इसमें ये प्याज। प्याज को बारीक काटना है आपको, आपने फ्लेम को आपने हाई रखना है ये देखें, ये देखें ये सुनहरी सा कलर आ गया, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये देखें ये पिंक हो गए हैं प्याज। में इसमें पीसा हुआ ये पाउडर डाल रही हूँ, अदरक का पाउडर जा रहा है 1/2 चम्मच, और ये मैंने क्योंकि लहसुन डाला था यखनी में, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा ये देखें कुछ भूख है। ये चिकन जो मैं उसकी बोतियाँ निकालनी थी यखनी में से ये डाल दी, ये देखें इसको मैं थोड़ा इनमें अदरक और लहसुन के जो पाउडर में इनको अच्छी तरह से भून लूँगी ये देखें। ये 20 मिनट मुझे लगे हैं फुल फ्लेम पे यखनी बनाते हुए। ये मुर्गा जितना अच्छा गला होगा उतनी यखनी मज़े की बनती है। ये मेरे पास फ्रीज़र की दही थी 1 कप, ये मैंने डाल दी अंदर ये देखें। अब यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच वाइट मिर्च, एक बाज़ार से सफ़ेद मिर्च मिलती है वो 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें। फुल फ्लेम कर दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुँह में अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह के जिक्र से अल्लाह का ध्यान नसीब होता है। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह भी फरिश्तों की मजलिस में हमें याद करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तो फिर अल्लाह की रहमत हमें ढांप लेती है, अल्लाह हमसे खुश हो जाते हैं। तो मुँह में जिक्र ज़रूर करते रहे। अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना। अब मैं इसके साथ ही जो कुछ मैंने ग्रीन मिर्चें ली थी इनको लंबा लंबा काट लिया, ये डालना ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये देखें ये, इसको थोड़ा सा और भूनूंगी और फिर मैं इसमें यखनी डाल के चावल डाल दूँगी। चलो अब इसमें हम यखनी डाल देंगे और फिर जोश आने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें पानी में उबाल आ गया, ये मैं जो 2 गिलास चावल थे वो डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो ये देखें अभी थोड़ा सा पानी है, मैं अभी इसको दम लगाती हूँ। ये देखें यहाँ पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ना हल्की हल्के फ्लेम पे ना 10 मिनट के लिए इसको दम देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 15 मिनट मैंने लो फ्लेम पे इसको दम दिया है। अब ये देखते हैं इंशाल्लाह, ये देखें ये चावल बनके तैयार हो गए हैं। ठीक है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको यहाँ पे एक दिनी बात साथ साथ चलते चलते दिनी बात कर लूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपसे यहाँ पे एक दिनी बात शेयर करने जा रही हूँ। आप एक दफ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ लें। हज़रत हुज़ैफ़ा जज़ल्लाहुन्ना मुहम्मद अम्माहु अहलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता था तो नमाज की तरफ फौरन मुतवज्जा होते थे। नमाज अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक़्त हमें नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाना चाहिए। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना चाहिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर अगली दफ़ा एक अच्छी रेसिपी के साथ और एक दीनी बात के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।